जय जवान जय किसान साथियों, आज आपके सामने जो है ये दिखाई दे रहा है न्यू हॉलैंड का 3630 और A5 जो मॉडल है, जो स्पेशल एडिशन के अंदर आता है A5, और जो इसके बोनट पे लिखा होता है स्पेशल एडिशन। आज इसका रिव्यू करेंगे, इसकी हर चीज़ जो है आपको बताएंगे, कितने HP में है, कितनी में जो है ये मैक्सिमम PTO पावर को जो है ये जनरेट करता है। सबसे पहले जो है इसका एक जो है आउटर रिव्यू ले लेते हैं कि जो है कैसा कैसा ये ट्रैक्टर जो है आपको दिखने में लगेगा। सबसे पहले फ्रंट टायर की बात करेंगे तो MRF कंपनी के 750/16 के फ्रंट टायर और एडजस्टेबल एक्सल के साथ ये ट्रैक्टर आता है। बहुत ही हैवी जो है इस ट्रैक्टर के अंदर जो है हिस्सा कंपनी देती है, जिससे जो है आपकी ट्रैक्टर की हिस्से की लॉन्ग लाइफ जो है बनी रहे। और साथ में जो फ्रंट लाइटें हैं उनमें भी जो है LED लाइटें जो है दे दी यहाँ पे। LED लाइटों से क्या होगा कि जो इस ट्रैक्टर की जो चमक दमक है, सुंदरता है, वो जो है बढ़ाई गई है। और सामने जो है हॉलैंड का लोगो और इस तरफ भी जो है एक लाइट जिसमें जो है LED लाइट वगैरह दे दी। और 3 डायरेक्शनल जो है इसमें जो है इसका रेडिएटर पे हवा लगने के लिए जो है जाली दे दी। और सामने की तरफ जो चूल्हा, जिसका चूल्हे के सामने जो वेट लगा रखा है जिससे ट्रैक्टर आगे से आपका कम उठेगा। और किसान ने साथ में जो है बम्पर लगवा रखा है जिसमें डीजल की कैपेसिटी 60-70 लीटर के आसपास जो डीजल की कैपेसिटी इसके अंदर जो है देखने को मिलेगी। और सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग के साथ ये ट्रैक्टर है। इस तरफ जो इसमें कोई भी जो है पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन जो है नहीं है, दूसरी तरफ ही जो है सिंगल एक्टिंग। आजकल जो है बैलेंस टाइप भी आने लग गए, लेकिन ये हॉलैंड आज भी जो है सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग जो है देता है, जो इस तरफ जो है राइट साइड में आपको जो है देखने को मिलता है सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग। और साथ में जो है स्पेशल एडिशन की बैजिंग काफ़ी शानदार सुथरी, और न्यू हॉलैंड 3630 TX ये वाला जो मॉडल ये ट्रैक्टर के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। और 3 पीस बोनट के साथ जो है ये, और 3 पीस बोनट एक तरीके से इसको 3 पल्लों वाला बोलते हैं, सामने वाला जो माथे वाला और 2 पल्ले जो है एक लेफ्ट में और एक जो है राइट में जो आप देखने को मिलेगा। रोटरी पंप के साथ ये ट्रैक्टर आता है। साथ में जो है इस ट्रैक्टर के अंदर जो 25 नंबर की टर्बो ट्रैक्टर में जो है देखने को मिलेगी आपको। और साथ में जो मोटी जाली वाला रेडिएटर, इसकी चौड़ाई देखो, पहले जो ये रेडिएटर आते थे वो साइज़ के अंदर भीड़े थे, लेकिन ये जो रेडिएटर है ये चौड़ा। और आगे जो है इसमें जो है बैटरी रख रखी है, और ये जो है इसके अंदर जो है एक तरीके से पावर स्टेयरिंग के लिए जो है कूलर दे रखा है, जिसमें जो है आप आसानी से जो है इसका जो मुगलैल है वो ठंडा हो गया जो ट्रैक्टर तक आसानी से आए जाए। और बाकी जो है पंप की लाइफ को बढ़ाने के लिए वाटर सेपरेटर, और साथ में जो यहाँ पे टी दे रखी है जिसको बंद करना है, चालू करना है, और यहाँ पे जो है एक तरीके से फिल्टर, और जो लॉन्ग लाइफ वाले फिल्टर इस ट्रैक्टर के अंदर दे रखे हैं, एक फिल्टर यहाँ पे और एक फिल्टर जो है उधर इसके अंदर दे रखे हैं। और ये जो है 50 HP कैटेगरी के अंदर जो है ट्रैक्टर आपको ये देखने को अब जो है मिलेगा, क्योंकि CRD का ऑप्शन जो है चल रहा है, इस वजह से जो है ये जो है अब आपको 50 HP के अंदर देखने हैं। पीछे वाली जो फेंडर की जो लाइटें हैं वो LED लाइट दे दी कंपनी ने, जिसकी लॉन्ग लाइफ है और 6 साल के तकरीबन जो है इनकी वारंटी है ट्रैक्टर की पूरे की। और ये यहाँ पे जो है ये जो है डिफरेंशियल लॉक जो है यहाँ पे दे दिया, हैंड ब्रेक दे दिए, साथ में जो ब्रेक पेडल दे दिए दोनों लेफ्ट राइट के। और आगे जो है यहाँ पे जो है आगे पायदान नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, तो कंपनी अगर हमारी वीडियो देखे तो यहाँ पे जो है 56-20 की तरह भी जो है यहाँ पे एक पायदान उनको देना चाहिए। और साथ में जो पोजीशन एंड ड्राफ्ट लीवर और एडजस्टेबल सीट, किसान अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है, बाकी सारी जो है लीवर की जो सेटिंग जो है यहाँ से वो जो है कर सकता है, जिस किसान को जिस हिसाब की सेंसिंग इस ट्रैक्टर के अंदर चाहिए वैसी भी सेंसिंग जो है यहाँ पे ले सकता है। नीचे से दिखा दें तो ये जो इसके पायदान है, पायदानों को जो है उठा दिया, थोड़ा ऊपर की तरफ उठा दिया, पहले जो है कम हाइट वाला जो बंदा चलाता था उसको परेशानी रहती थी, तो अब जो ये जो डिफरेंस है यहाँ का ये जो है बहुत कम हो गया, तकरीबन ये मानो कि आप 3-4 इंच का ही रह गया, पहले जो है ज़्यादा था, तकरीबन 1 फुट के आसपास था, अब जो है वो ख़त्म कर दिया। और नीचे जो है ये गोल ट्यूबों के साथ ये ट्रैक्टर, और एक चेंज और इसके अंदर किया है, जो इसकी पावर स्टेयरिंग की जो पाइपें थी यहाँ से, जो पावर स्टेयरिंग की पाइपें पहले ऊपर से होके आती थी, अब जो है ये बाहर की बाहर जो है नीचे की तरफ जो है होके जो है यहाँ पे पावर स्टेयरिंग तक जो है ये पाइपें पहुँचती हैं, तो ये भी चेंज इस ट्रैक्टर के अंदर किया है। दूसरी तरफ भी इसमें काफ़ी चेंज किया, वो भी दिखाता हूँ। इस तरफ भी जो है रिवर्स PTO का जो स्टिकर यहाँ पे लगा रखा है, जिससे आपको जो ज़मींदार को दूर से ही जो पता लग जाएगा कि ये
रिवर्स पीटीओ के साथ जो है ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। और साथ में जो है ये फिल्टर यहाँ पे और ये जो है अल्टरनेटर, जिससे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो है काम वो सारा होएगा। और चकोर जो है ये इसका स्पेंडल के साथ आपको देखने में मिला है, जिसकी लॉन्ग लाइफ होती है। और इस तरफ भी जो स्पेशल एडिशन और 12+3 UG गियर बॉक्स के साथ और प्लस का निशान और कम्फर्ट एंड एश्योर्ड सेफ्टी के साथ और डबल पैडल जो है, डबल पायदान इस पे जो है चढ़ने के लिए, किसान आसानी से जो है एक इस तरफ जो है हैंडल दिए गए हैं, आसानी से जो है उनको पकड़ के जो किसान आसानी से जो है इसके ऊपर चढ़ सकता है, ऊपर चढ़ के जो है आसानी से जो है अपने ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के बैठ सकता है। और ये यहाँ पे जो है दे रखे हैं पोजिशन इसके क्लस्टर मीटर, जिसमें कि जो है इधर जो है ये टेम्परेचर का गर्माश की बैटरी की, ये जो है टेम्परेचर का और ये जो है डीजल का, और ये यहाँ पे जो है इसका मेन RPM मीटर और डिजिटल जो है इसके अंदर जो है हावर मीटर दिया है, जिससे जो किसान को पता लग जाएगा मेरा ट्रैक्टर कितना चला है। और जो है ये जो लंबाई है, पहले जो लैंड आते थे और अब जो ये वाला जो मॉडल है इसकी जो ये वाली जो है हाइट भी जो है स्टेयरिंग की ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। पहले वाला जो स्टेयरिंग थोड़ा नीचे होता था, लेकिन इसकी हाइट को बढ़ा दिया। और यहाँ पे जो है जो बटन आता था, एक तरीके से डंडी आती थी, वो यहाँ पे जो है ये गाड़ियों वाला सिस्टम बढ़ा दिया। ये लेफ्ट राइट का जो है इंडिकेटर का, और ये जो है लाइट ऑन ऑफ का, और बीच में जो है इसमें ऑन का ऑप्शन दे दिया। और इस तरफ जो है ये आपका पार्किंग स्विच और जो है मेन रेस लीवर का जो है यहाँ पे जो है दे दिया। और ऊपर से जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हाई लो मीडियम और दूसरी तरफ के जो गियर लीवर है उसमें 1, 2, 3, 4 और रिवर्स गियर के साथ ये ट्रैक्टर है। और साथ में जो है और पहले की तरह जो है ये यहाँ पे जो है बटन स्विच दे दिया, जिससे कि जो सामने वाली जो लाइट है उन्हीं की लाइट जो है उनमें जो LED लाइट है वो आपको जो है दिखाई देगी। और ये यहाँ पे जो है डबल क्लच इसकी जो है इसके अंदर दे दी, इंडिपेंडेंट क्लच जो है यहाँ पे लीवर दे दिया। और इसको जो है ये PTO के जो ऑपरेशन है इनको चलाने के लिए जो है सारी चीज़ें जो है किसान को पढ़ के जो है ये देख लेनी चाहिए। और इसकी स्पीड की बात करें तो PTO भी जो है इसके अंदर जो है मल्टी स्पीड और जो है 540 चक्रों के अंदर जो है स्पीड जो है इसके अंदर दे रखी है। और साथ में जो बोतल होल्डर का जो है यहाँ पे ऑप्शन भी जो है दे रखा है। और साथ में काफ़ी हैवी फेंडर और जो है फेंडर गार्ड भी जो है बहुत ही शानदार दे रखे हैं। और फाइबरवुड की जो है छतरी इस पर जो आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही शानदार जो है फाइबरवुड की छतरी और कंफर्टेबल एक तरीके से सीट आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही कंफर्टेबल। और जो है साथ में जो है आर्म रेस्ट के लिए भी जो है यहाँ पे जो है ये दे रखे हैं, जिससे किसान थके ना और आराम से वो अपने ट्रैक्टर को चलाता रहे। और ये जो है मेन इसका PTO का लीवर और सीट, अगर आगे पीछे करनी है तो यहाँ इसकी लीवर की मदद से जो है सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। साथ में जो है इनके जो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म पे जो है यहाँ पे रबड़ दे दी, जिससे जो है इसकी लुक और भी ज़्यादा जो है बड़ी ट्रैक्टर की और भी ज़्यादा जो है सुंदर ये ट्रैक्टर दिखने लग गया। इधर जो है ये सारा जो है पोजिशन आपको जो है दिखाई देगी। बैक टायर जो है इसके MRF कंपनी के 16 नोट है इसके बैक टायर, और बहुत ही मजबूत जो है फेंडर, ये देखो अंदर से जो फेंडर। और साथ में जो है ये यहाँ पे जो है न्यू हॉलैंड वालों ने अपनी जो प्लेट लगा रखी, जिसमें कि इन्होंने जो है ट्रैक्टर का इंजन नंबर, चेसी नंबर, मॉडल और जो है इसका प्रोडक्ट का कोड और जो है इसका किस नाम से जो है ये ट्रैक्टर है, ये 3630 TX प्लस UG A5 मॉडल है। और जो PTO पावर इस ट्रैक्टर की जो है 33.6/46 जो है HP का और 33.6 जो है किलोवाट की जो पावर को ये जनरेट करता है। साथ में जो टायर का जो है प्रेशर का भी बता रखा है कि जब ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर जो चले तो फ्रंट टायर के अंदर 28 का और पिछले टायर के अंदर जो है 20 का, और जब ट्रैक्टर आपका बाई में चले तो जो है अगले टायर में 28 और पिछले टायर में जो है 12 का जो है हवा, 12 पाउंड हवा जो है एक तरीके से होनी चाहिए। ये जो है 6 GB वाली जो है PTO इसकी और डबल जो है डिस्ट्रीब्यूटरी वाल, साथ में यहीं पे जो है मेल फीमेल जो है स्विच जो है इन्होंने दे रखा है। और एक ये सेंसर जो है बहुत सारे किसानों को नहीं पता, इसको बंद कर देते हैं जिससे जो इसकी सेंसिंग जो है काम अच्छे से नहीं करती है। साथ में हाइड्रोलिक जैक जिससे जो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी और भी अच्छी जो है बढ़ जाती है। साथ में जो स्टे बार है, पिन टाइप स्टे बार दे दी, और साथ में जो है यहाँ पे जो पिन डलने का जो है मोटी पिन डलने का ऑप्शन इसके अंदर आ गया, और वही जो आपका रिडक्शन वाला जो है इसका
पिछली साइड आती थी, और बहुत ही शानदार जो है पीछे की तरफ भी जो है ब्रेक लाइट, इंडिकेटर लाइट, और जो है रात में काम करने के लिए ये भी यहाँ पे जो है लाइट दे रखी है, और ये नंबर प्लेट के लिए भी ऑप्शन जो है इन्होंने यहाँ पे दे दिया। किसान जो है सीट को एडजस्ट कर सकता है 120 केजी का ऊपर, और जो है 85 और 50 केजी के हिसाब से जो है इसको आसानी से चला सकता है। अब जो ट्रैक्टर की एक बार जो है साउंड टेस्ट जो है आपको करवाते हैं कि जो है ट्रैक्टर के अंदर साउंड टेस्ट। बहुत ही शानदार जो है ट्रैक्टर जो है साउंड कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पावरफुल ट्रैक्टर ये कंपनी ने जो है नया लॉन्च कर दिया, और किसान इसको जो है अपने काम के लिए इस ट्रैक्टर को आसानी से ले सकता है। ये सारी जो है लाइटें वगैरह इसकी जो है जली हुई है। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर जो है ये निकाल दिया न्यू हॉलैंड का A5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जो वीडियो को लाइक करना, और फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।